नमस्कार। आज हम हरे मटर की बाटी बनाएंगे। मटर और स्पाइसेस से बनी ये बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इस बाटी को आप दाल और अचार के साथ तो परोस ही सकते हैं, ये आपको चाय के साथ में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। मटर की बाटी बना रहे हैं। ये 1 कप हमने हरे मटर के दाने ले लिए। तो सबसे पहले हम हरे मटर के दानों को पीस लेते हैं। और ये 2 हरे मिर्च मोटे मोटे काट कर लिए हैं। और ये 1 इंच बाई आधे इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा काट कर ले लिया है। और ये 1/2 कप हरा धनिया मोटा मोटा कटा हुआ। इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। ये पीस गए हैं, अच्छे दरदरे हैं। अब बाटी के लिए डो तैयार करेंगे। तो ये हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ये जो मटर और मसाले हमने पीस कर तैयार किए हैं ये इसी में मिला देंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट करके ले लिया है हमने। ये 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इसे क्यों क्रश करके डालेंगे ये तो सब आप जानते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक और ये 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे हमारी बाटी एकदम खस्ता सॉफ्ट बनेगी। मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर हम आटा गूंथेंगे। सर्दी के मौसम में पानी हल्का गर्म ले लिया जाए आटा गूंथने के लिए तो हाथों को बहुत अच्छा लगता है और आटा भी बहुत जल्दी से गूंथकर तैयार हो जाता है। आटा हमें ऐसा बनाना है कि चपाती के डो से थोड़ा सा सख्त आटा बनाकर तैयार करना है। ये हमारा डो तैयार हो गया। एकदम सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। इतना डो बनाने में हमने 1/3 कप पानी का यूज़ किया है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये सेट हो जाएगा, इसके बाद बाटी बनाते हैं। 10 मिनट हो गए, हमारा डो भी सेट होकर तैयार हो गया। बाटी बनाते हैं। अभी हम इन्हें कुकर में बना रहे हैं। इसमें हम 2-3 कप नमक डाल देंगे और नमक को आप कितनी ही बार यूज कर सकते हैं। इसको हम गर्म करने के लिए रख देते हैं हाई फ्लेम पर। 7-8 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं, ये गर्म हो जाएगा। बाटी को बेक करने के लिए हमें ये प्लेट चाहिए। थोड़ा सा घी डाल देंगे और ब्रश से लगा देते हैं चारों ओर। थोड़ा सा घी हाथ पर ले लेंगे और आटे से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। बाटी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं। तो ये हम एक लोई उठा लेंगे, इसे गोल कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हल्के हाथ से दबाएंगे, थोड़ा सा अंगूठे से इस तरीके से दबा देंगे। ये हमारी बाटी तैयार हो गई। सारी बाटी हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है। हमारा कुकर गर्म हो चुका है पूरी तरीके से। और देखिए, हमने कुकर के ढक्कन पर गैस्केट भी नहीं लगाया और ऊपर सीटी भी नहीं लगाई है। ये नमक बहुत अच्छा गर्म होके तैयार हो गया है। और ये जो बाटी की प्लेट है वो कुकर में रख देंगे। इसे बंद कर देते हैं और इसे मीडियम हाई गैस पर हम 15 मिनट तक बेक करेंगे। इसके बाद चेक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए हमारी बाटियाँ अच्छी फूल गई हैं और देखते हैं नीचे से ये सिकी है या नहीं। नीचे से हल्की हल्की सिक गई हैं। इनके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं पहले। और अब इन्हें पलट देते हैं। हाथ का पूरा ध्यान रखेंगे, कुकर से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए हाथ। कुकर बहुत गर्म है।
इस साइड भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। कुकर को बंद कर देंगे और अब हम इन्हें 10 मिनट तक सिकने देंगे, फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 10 मिनट और हमने इसे बेक कर लिया, चेक कर लेते हैं। ये दूसरे ओर से भी अच्छे ब्राउन सिककर तैयार हो गए हैं। पहली साइड थोड़ी सी हल्की है और 3-4 मिनट तक सेक लेते हैं इन्हें। 3 मिनट हमने और बेक कर लिया इन्हें और ये दोनों ओर से अच्छी ब्राउन सिककर तैयार हो गई हैं। इन्हें निकाल लेते हैं, इन्हें भी इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। बाटियाँ अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हैं। एक बैच की बाटी सिकने में पूरा आधा घंटा लग गया है। गर्मा गर्म बाटी को हम घी में डिप करके निकाल लेंगे। बाटी में घी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा घी चाहिए तो बाटी को थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से दबा के क्रश कर दें। हरे मटर की गर्मा गर्म बाटी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता बाटी बनी है। ऊपर से एकदम खस्ता है और अंदर से सॉफ्ट है। इन्हें आप किसी भी अपने मनपसंद गाढ़ी दाल के साथ में, चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, डो थोड़ा सा सख्त बनाएं और बाटी को कुकर में बेक करते समय 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 पर चेक करते हुए बेक करें। बहुत अच्छी बाटी बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।